रीवा जिले से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित थाना नईगढ़ी की चौकी भीर के नवीन भवन का लोकार्पण मनगांव क्षेत्र के विधायक पंचुलाल प्रजापति की उपस्थिति में केपी वेंकटेश्वर राव पुलिस महानिदेशक रीवा एवं मिथिलेश कुमार शुक्ला पुलिस महानिरीक्षक रीवा व नवनीत भसीन उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रीवा की गरिमामय उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर जनता के नाम समर्पित किया गया। बता दें कि आयोजित कार्यक्रम सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद उपस्थित अतिथियों के द्वारा फीता काट कर क्षेत्र की जनता को ये ऐतिहासिक भवन समर्पित कर दिया गया, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और इसके साक्षी बने। पहले क्षेत्र की जनता को छोटे मोटे अपराधों के लिए भी थाना नईगढ़ी में आना पड़ता था। चौकी के इस भवन बन जाने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल गई है। पुलिस महानिदेशक वेंकटेश्वर राव ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया। पुलिस चौकी बन जाने से अब छोटे मोटे अपराधों व अपराधियों पर नियंत्रण पाने में आसानी होगी। क्षेत्र की जनता की शिकायतों का निस्तारण भी आसानी से हो सकेगा। उन्हें थाने पर जाने से पुलिस की मदद मिल सकेगी। चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी और सिपाही एक सूचना पर तुरंत मौजूद हो सकेंगे। साथ ही वॉलीबॉल ग्राउंड की चर्चा करते हुए एसपी साहब ने बताया कि वॉलीबॉल ग्राउंड इसलिए बनवाया गया है कि क्षेत्रीय लोग सुबह शाम खेलने के उद्देश्य से आएंगे। युवाओं में एक नया जोश पैदा होगा। पुलिस और जनता के बीच की दूरी को खत्म किया जा सकेगा। नव निर्मित पुलिस चौकी का मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा ये भवन का निर्माण कराया गया है और इस नव निर्मित पुलिस चौकी के लिए हम लोग काफी समय से इंतजार करते रहे और बार बार मैं एसपी साहब से वसीम साहब से निवेदन करता रहा कि जो चौकी का रामपुर में खुली है उसमें बैठने तक के लिए जगह नहीं रहती थी। विधायक जी पंचलाल प्रजापति जी, मेरे साथी मिथिलेश जी, डीआईजी रीवा और मेरे साथी अधिकारी एसपी और अभी जो डीआईजी बनके सेंट्रल रेंज भोपाल जा रहे हैं नवनीत और मेरे साथी अधिकारी यहाँ पे डीएसपी और टीआई सभी लोग और मेरे प्रिय यहाँ के स्थानीय लोग महिला और मेरे भाई लोग सबको मेरे नमस्कार। पुलिस की तरफ से आपको मैं अभिनंदन करता हूँ। स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ चौकी निर्माण हुआ नया वाला और ये पुलिस हाउसिंग के कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली ये चौकी है और इस तरह की चौकी काफी यहाँ निर्माण हुआ है जिले में। तो आपके जो स्थानीय लोग हैं साहब बता रहे थे कि काफी दूर तक जाते थे स्थानीय कंप्लेंट वहाँ पुलिस थाने में कंप्लेंट करने के लिए, अभी आपको जो है पास ही आए और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पुलिस चौकी बनी है इसलिए नहीं कि आप कंप्लेंट्स करें शिकायत करें, मगर आप ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कम उपयोग होना चाहिए और जो न्याय जो अन्याय हो रहा है उसको मतलब उस तरह की कंप्लेंट्स को ही अपने को यहाँ आना चाहिए, बाकी अनावश्यक इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के जो भी जमीनी संबंधी है और अपराध संबंधी है जो भी है, जो नया हमारे टीआई साहब है नया चौकी प्रभारी तो नहीं यहाँ पे, तो चौकी प्रभारी आप जो है मैं चाहता हूँ कि इनको जो है एक समस्या आती है उसको अच्छे से समीक्षा करके 24 घंटे से लेकर 38 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उस पर बैठे हो, ठीक है ना, और ये आपका समझ में नहीं आता तो टीएस आपसे पूछ के उसके एफआईआर करना है नहीं करना है उस पर आपके डिसाइड करिए। ऐसे नहीं कि आ गया तो तुरंत इस पर कार्रवाई करना है और यहाँ के स्थानीय के जो समस्या है आप समझ लीजिए क्या समस्या है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ जमीन समस्या है या यहाँ पे आपके महिलाओं का बच्चों का एससी एसटी वर्ग ज्यादा है बता रहे यहाँ पे, ठीक है ना, उनकी क्या समस्या समझ लेना। और वहाँ जितने भी गांव आते हैं कितने गांव आते हैं आपके अंदर में 87 तो बहुत ज्यादा है, तो उतना स्टाफ वगैरह होना चाहिए, गश्त करना चाहिए, ठीक है, गांव गांव में घूमना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। जैसे साहब एसपी साहब बोले थे बहुत महत्वपूर्ण बात बताया उन्होंने कि लोगों की समस्या सुन के उनके कॉन्फिडेंस
गठबंधन जितना उनका विश्वास जितना पुलिस की जो है कि बहुत सारे लोग जो है उस पर ज्यादा इस पर बात करते कि पुलिस वाले एक तरफा होते हैं, ठीक है ना, और इसमें बिना इसके क्या आगे काम नहीं करते, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होके और हॉनेस्टली ईमानदारी से काम करना। मुझे लगता है कि अच्छे अधिकारी दिए आपने, और यहाँ महिला भी अधिकारी है कोई? हाँ, महिला भी अधिकारी है दिया आपने, ठीक है। यहाँ जितने भी महिला, विशेषकर अभी शासन जो है महिलाओं के और बच्चों पे है और SC ST वर्गों पे है, और जिस तरह साहब ने बताया नशा पे है, और ये तरह तरह के जो यहाँ माफिया लोग है, जो माफिया जो है ना अपना डेट माफिया है, शराब माफिया है, ठीक है ना, भू माफिया है, इस पे आप नजर डालेंगे, ठीक है ना। किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए। आप रहते हुए पहला चौकी प्रभारी है, आपके कार्यकाल में लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना, लोग खुश होना चाहिए। टी एस साहब भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि समय समय पे आप गश्त आइए यहाँ पे, लोगों से मिलिए, दस्त करिए लोगों से, ठीक है ना, गाँव गाँव में घूमिए। काफी दूर दराज लग रहे हैं, अभी आते समय देखा मैंने, काफी दूर आ, मैं 80 किलोमीटर ट्रेवल करके आया है ना, काफी अंदर है। तो लोग जो है यहाँ अंदर कभी आते कभी अंदर रहते कभी ना, समस्याओं को समझ लीजिए। और कोई लोग यहाँ के जो है खेलने के लिए भी एक परिसर दिया है, इसके साथ बता रहे हैं कि खेलने का भी परिसर है, लोगों को भी है यहाँ पे, पब्लिक को इन्वॉल्व करिए, पब्लिक में मिलकर हमसे काम करिए, उनका विश्वास जीतिए। मैं यहाँ के जो भी स्थानीय पत्रकार लोग हैं तो भी है, अब हम लोग ट्विटर पे भी एक्टिव है, अभी ट्विटर है हमारे, फेसबुक है ना, व्हाट्सएप में है, हम लोग जो आप जुड़िए, हम लोग MP पुलिस का भी अपना वो है ट्विटर में अकाउंट है हमारा, उसमें जो भी आप अपना लोकल इश्यूज है आप उसको पोस्ट करिए, हम लोग उसमें देखते हैं और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं, है ना। मैं यहाँ के अधिकारी जो अपना पंचायत के जो सरपंच भी बैठे हैं मैडम, आपको भी आपके जो मेरी शुभकामनाएं, आपको इतनी बड़ी ये बड़ी उपलब्धि है, हाँ यहाँ चौकी बनना है, ठीक है, हम लोग आते रहेंगे आपके, अभी आगे भी आप हमें जो भी समस्या हम सुनते रहेंगे। सभी स्थानीय लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से शुभकामनाएं आपको।